लोकसभा चुनाव के आते ही केंद्र की सत्ता में बैठी बीजेपी की सरकार को घेरने के लिए विपक्ष की सारी पार्टियां लगातार कवायद में जुट चुकी हैं। इसको लेकर विपक्ष की सभी पार्टियों ने दो बार बैठक भी कर ली है। बता दें कि इस विपक्ष की एकता की अगुवाई बिहार के सीएम नीतीश कुमार कर रहे हैं। वहीं आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि नीतीश कुमार के राज्य में अगर आज चुनाव होते हैं तो बीजेपी को कितनी सीटें मिलेंगी। दरअसल लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में भी सियासी पारा चढ़ा हुआ है। बता दें कि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी के साथ बीजेपी की गठबंधन वाली एनडीए पार्टी का दामन छोड़ दिया और महागठबंधन की तरफ अपना रुख कर लिया, तभी से सारे समीकरण बदलने लग गए। सारी जनता ये जानने को बेकरार है कि बिहार में इस नए समीकरण नीतीश और लालू की जोड़ी आने वाले लोकसभा चुनाव में कितनी असरदार रहेगी। वहीं एक चुनावी सर्वे में जब लोगों से इस बारे में पूछा गया कि अगर बिहार में अभी लोकसभा चुनाव कराया जाए तो बिहार की जनता किस पार्टी पर अपना भरोसा दिखाएगी, तो इस सवाल के जवाब में बिहार की जनता ने खुलकर अपना पक्ष सामने रखा और बताया कि नीतीश कुमार और लालू यादव के साथ आने से आगामी चुनाव में कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जनता जेडीयू और आरजेडी पार्टी को भ्रष्ट पार्टी के रूप में देखती है। वही कुछ लोगों के हिसाब से बीजेपी और महागठबंधन में जोरदार मुकाबला भी देखा जा सकता है। इस सर्वे में जो आंकड़े सामने आए हैं, इस हिसाब से बीजेपी की गठबंधन वाली एनडीए को ज्यादा सपोर्ट मिलता दिख रहा है। वही बाकी दूसरे दलों के हाथ कुछ भी नहीं आएगा। इस तरह बिहार को लेकर सामने आए इस सर्वे में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ा फायदा हो सकता है। हालांकि ये ओपिनियन पोल है, लेकिन इससे कहीं ना कहीं 2024 के रण की एक तस्वीर साफ तौर पर दिखती नजर आ रही है। वही आपको बता दें कि कुछ महीनों में बिहार की तस्वीर काफी ज्यादा बदल चुकी है, क्योंकि चिराग पासवान ने जिस तरह से पूरे बिहार का दौरा किया है, जिस तरह से उन्होंने खुद को युवाओं के बीच एक लोकप्रिय चेहरा बनाया है और खुद को बीजेपी में शामिल करके एनडीए का कुनबा और मजबूत बना दिया है। वैसे आपकी क्या राय है इस सर्वे पोल को लेकर के हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं।